Good morning, everyone. Continuing with our next point, that is principle of conservatism or prudence. इस principle के according, जो भी हमारे anticipated losses हैं, उन्हें हम books of accounts में show करेंगे, लेकिन जो भी हमारे anticipated gains हैं, unrealized gains हैं, उन्हें हम ignore करेंगे. जो भी कंटीजेंट प्रॉफिट्स हैं बिजनेस के, वो सिर्फ तभी रिकॉर्ड किए जाएंगे जब आप उन्हें रियलाइज करोगे. फॉर एग्जांपल, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अगर हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई है एसेट्स की, तो उन्हें हम इग्नोर करते हैं. इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की, वो सॉलिड रहती है. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमें फ्यूचर में नहीं आती. उसका रीज़न ये कि जो भी हमारे लॉसेस हैं, हम उन्हें पहले से ही डिडक्ट कर चलते हैं. पहले से ही उन्हें के लिए हम अरेंजमेंट कर चलते हैं, लेकिन जो भी हमारे फ्यूचर प्रॉफिट्स होते हैं, उन्हें हम कंसिडर नहीं करते हैं. इस प्रिंसिपल के एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे वैल्यूएशन जब हम क्लोजिंग स्टॉक का करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस जो भी लेस होगा, उसके बेसिस पर हम उसे रिकॉर्ड करते हैं. सेम तरीके से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस, पर रिकॉर्ड करते हैं. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम बनाते हैं किस लिए? कि अगर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन होता है, तो उसके लॉस को अरेंज करने के लिए अकाउंट्स में. देन प्रोविजन हम बनाते हैं डेप्रिसिएशन का ऑन फिक्स्ड एसेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेब्टर्स हम बनाते हैं फ्यूचर के लिए, प्रोविजन बनाते हैं हम फॉर अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में अगेंस्ट दी फर्म, लेकिन उसका डिसीजन जब तक फर्म के फेवर में नहीं आएगा, तब तक उसके लिए आप प्रोविजन बनाएंगे. नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं, वो प्रॉपर टाइम पे रिकॉर्ड होने चाहिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बुक्स जो हैं आप प्रिपेयर कर रहे हो, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगी यूज़र्स को, इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करेंगी, वो इन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे करेंगी. तो अगर ये टाइमली प्रिपेयर नहीं होंगे, प्रॉपर टाइम पे प्रिपेयर नहीं होंगे, तो जो इन्फॉर्मेशन है टाइमली नहीं पहुँचेगी यूज़र्स तक, और उन्हें प्रॉब्लम होगी, डिफ़िकल्टीज होगी इन टेकिंग डिसीजंस. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2007 को, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे हो जून 2008 को, और जो आप की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो ये शो कर रही हैं कि आपका अमाउंट ब्लॉक है स्टॉक में, तो आप कोई रेमेडियल डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि तब तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है. ऑलरेडी 6 महीने निकल चुके हैं डिसीजन लेने के लिए. अब हर एक ट्रेडर सेम तरीके से जानना चाहता है उसे कि उसके कितने डेप्टर्स हैं डिफरेंट टाइम पे, ताकि ज़्यादा अमाउंट उसका जो है वो ब्लॉक ना रहे क्रेडिट सेल में. सेम तरीके से कंपनीज को डिक्लेयर करना होता है फाइनल डिविडेंड एक सर्टेन टाइम पर, तो अगर अकाउंट्स डिले होंगे प्रिपेयर होने में, तो कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर टाइमली नहीं कर पाएगी. और ये इन्फॉर्मेशन अगर टाइमली रिसीव नहीं होगी, तो जो कंपनीज हैं वो टाइमली डिसीजंस नहीं ले पाएंगी. तो अगर रिसीव आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली होती है, तो उसके लिए कंपनीज प्रिपेयर करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली. इसीलिए कंपनीज प्रिपेयर करती हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर एवरी हाफ ईयर. देन आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्री प्रैक्टिस. हर एक इंडस्ट्री के कुछ अकाउंटिंग मेथड्स हैं जो वो फॉलो करती आ रही है लंबे टाइम पीरियड से, और इन्हीं मेथड्स को हम इंडस्ट्री प्रैक्टिस कहते हैं. ये जो ट्रेडिशंस फॉलो करती आ रही हैं इंडस्ट्री, फर्म्स जो उस इंडस्ट्री में हैं वो भी उसी को फॉलो करती हैं. फॉर एग्जांपल,
अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो काम है वहाँ पे इनकम को रिकॉग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क माना जाता है। अगर हम हायर परचेज का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं बिजनेस में, इंडस्ट्री में, तो जो इनकम है फर्म की वो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ रिसीव्ड इंस्टॉलमेंट्स मानी जाएगी। लेकिन अगर हम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की इंडस्ट्री में हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह। तो ये थे आपके प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहला है टू फेस कॉम्पिटिशन। हर एक ट्रेडर को ज़रूरी है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करे विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अदर एंटरप्राइजेस अगर उसे कंपटीशन में कंपीट करना है। और वो तभी पॉसिबल है जब आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हर एक बिजनेस वो कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स के ऊपर रिकॉर्ड किए जाएं। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो ज़रूरी हैं अकाउंटिंग के लिए। नेक्स्ट इज़ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट ईयर्स। हर एक ट्रेडर जो है वो जानना चाहता है कि क्या चेंज हुआ है उसकी अर्निंग कैपेसिटी में, फाइनेंशियल पोजीशन में बिजनेस की। तो इसके लिए वो कंपैरेटिव स्टडी करता है रिजल्ट्स के डिफरेंट ईयर्स की कि उसका बिजनेस अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं सर्टेन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। कोई भी आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सपोज यूज़ करते हैं एक ईयर में, सेम ईयर में अगर आप डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं तभी आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ योर टू डिपिक्ट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो डिपिक्ट करती हैं ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस वो सर्टेन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ही फ्रेम की जाती हैं। जैसे अगर क्लोजिंग स्टॉक है, अगर करेक्टली आप वैल्यू नहीं करोगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही शो नहीं होगा, ना ही आपकी जो बैलेंस शीट है वो ट्रू पोजीशन को डिपिक्ट करेगी। नेक्स्ट इज़ योर टू मेक द इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल एंड कंपैरेटिव। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मीनिंगफुल और कंपैरेटिव बनाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें सर्टेन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर फॉर्म किया जाए। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, क्या हैं? सबसे पहला है लैक ऑफ जर्नल एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स। डिससिमिलैरिटी क्योंकि थॉट्स में है, एक अकाउंटेंट एक प्रिंसिपल को सही मानता है, दूसरा अकाउंटेंट दूसरे प्रिंसिपल को सही मानता है, तो जो सभी अकाउंटेंट्स हैं वो किसी एक प्रिंसिपल को सही नहीं मानते, डिस्टिंक्शन है उनके रिजल्ट में, डिफरेंस है उनके रिजल्ट में, तो इसीलिए आप उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे सपोज हायर परचेज सिस्टम है, कुछ अकाउंटेंट्स अडॉप्ट करते हैं एसेट अक्रूवल मेथड, लेकिन जो दूसरे अकाउंटेंट्स हैं वो अडॉप्ट करते हैं टोटल कैश प्राइस मेथड। सिमिलरली डिफरेंट अकाउंटेंट यूज़ करते हैं डिफरेंट मेथड्स वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे कर रहे हो तो वो आप कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ प्रिंसिपल। जो लिमिटेशन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की दैट इज़ कि उनका एक सर्टेन शेड्यूल नहीं है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिवेल्प हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी। जब भी आपने कोई प्रॉब्लम फेस की है तो उसके बेसिस पर आपने प्रिंसिपल को आपने कहिए जनरेट किया है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो पास्ट प्रॉब्लम्स के लिए बनाए गए थे, लेकिन बिजनेस चेंज हो रहा है, कॉम्प्लिकेशंस बिजनेस में आई हैं ज़्यादा, चेंज इन्वायरमेंट में हो रहा है, तो ये प्रिंसिपल फ्यूचर के लिए भी बेनिफिशियल होंगे इसकी आप गारंटी नहीं दे सकते। और फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल के लिए कोई परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। तो जो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन है अमेरिका का, उसने एक शेड्यूल बनाया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, लेकिन वो प्रिंसिपल्स भी कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट इज़ योर डिफरेंस इन द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल। मेन लिमिटेशन जो है इन प्रिंसिपल की दैट इज़ डिफरेंट अकाउंटेंट्स यूज़ करते हैं प्रिंसिपल्स डिफरेंट मैथड्स। अकाउंटेंट जो है वो वन प्रिंसिपल को डिफरेंट मैथड्स के साथ यूज़ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सभी अकाउंटेंट्स एग्री होते हैं कि गुडविल को वैल्यू करना चाहिए, लेकिन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। सेम तरीके से सभी अकाउंटेंट्स
एग्री करेंगे कि आपका जो स्टॉक है उसकी मैनेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे लिफो मेथड, फीफो मेथड, हीफो मेथड, एवरेज मेथड, एबीसी एनालिसिस एक्सेट्रा। और हर एक ट्रेडर जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो यूज़ करता है वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज़ करता है, तो ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। तो इसके साथ ये जो हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम जो कंटिन्यू करेंगे वो है चैप्टर नंबर 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।